गुरुदेव शरणानंद महाराज के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन कथा व्यास परम पूज्य कार्षिणी श्री स्वरूपानंदन महाराज के श्रीमुख एवं कार्षिणी श्री राधा रमन के संयोजन में आगरा के गंगा नगर स्थित महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में किया जा रहा है। कथा के अंतिम दिन व्यासपीठ से कार्षिणी श्री स्वरूपानंद महाराज ने सुदामा चरित्र का सुंदर वर्णन किया। कमला नगर के महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कथावाचक श्री स्वरूपानंद महाराज जी ने बेहद खूबसूरत अंदाज में भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा का वर्णन किया, जिससे भक्त भाव विभोर हो गए। जब त्रेता युग में भगवान शंकर को क्षोभ हुआ, जब शिव तीसरा नयन उहारा, तुरते काम भयो जरी छारा, कामदेव का दमन हुआ, कामदेव मारा गया, रोती हुई गति आती है, प्रभो मेरे पति को आपने मार दिया, अब मैं कैसे रहूं। भगवान ने कहा, देवी कामदेव ने भी कमी नहीं छोड़ी, इसलिए तुम घबराओ नहीं, जाओ द्वापर युग में तब तक प्रतीक्षा करो। 24 जुलाई से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा 30 जुलाई तक चलेगी। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर आयोजक बेहद उत्साहित हैं। व्यासपीठ से परम पूज्य कार्षिणी स्वरूपानंद जी अधिकारी जी महाराज बोल रहे हैं और गुरुदेव और रमण बिहारी जी की कृपा से आज इसका अंतिम दिवस है और कल पूर्ण आहुति के बाद भंडारे का भी आयोजन है। आज की कथा महाराज श्री ने सुदामा चरित्र के बारे में वर्णन किया और मित्रता कैसे निभाई जाती है, ये भगवान श्री कृष्ण ने इस संदेश के से प्रकट किया है कि वो सुदामा जी को अपने सिंहासन से उठकर बुलाने गए थे। श्रीमद् भागवत सप्ताह का पाठ रखा जो कि 24 तारीख से प्रारंभ हुआ और आज 30 तारीख को ये सातवां दिन है। और आज की जो पाठ का है, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए सुदामा चरित्र का जो वर्णन है वो खास रहेगा और संपूर्ण भागवत का जो महत्त्व है उसको बताया जाएगा कि भागवत के करने से हमें क्या लाभ होता है, इस भागवत को किसने प्रारंभ में सुना, किसने कहा, इन सब बातों का ज्ञान महाराज जी आज हमें देंगे। ये जो हमने पाठ कराया इसे सभी लोगों ने आके सुना और इससे हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा, जिससे हम अपनी लाइफ में हम लोग कुछ सीख सकते हैं और उसको अमल कर सकते हैं। तो इससे सभी लोगों का बहुत कुछ भला हुआ और सबने बहुत ही आके यहाँ पे आनंद लिया। भागवत कथा के समापन पर पूर्ण आहुति यज्ञों का वहीं विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। अनिल कुमार, सी न्यूज़।